नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। फतेहाबाद के लघु सचिवालय के बाहर राशन डिपो धारकों ने अपनी मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। डिपो धारकों का कहना है कि सरकार की ओर से उन्हें 60 वर्ष की उम्र के बाद रिटायर किया जा रहा है, जिसका वे विरोध करते हैं। डिपो धारकों ने कहा है कि सरकार इस निर्णय को वापस ले और अगर सरकार इस निर्णय को वापस नहीं लेती तो डिपो धारक की रिटायरमेंट के बाद पेंशन शुरू की जाए ताकि वे अपने परिवार का पेट पाल सकें। वहीं जिस डिपो धारक को रिटायर किया जा रहा है उसके परिवार को ही दोबारा डिपो अलॉट किया जाए। इन सभी मांगों को लेकर फतेहाबाद के डिपो धारक एसोसिएशन की ओर से धरना शुरू किया गया। फतेहाबाद ब्लॉक डिपो धारक एसोसिएशन के प्रधान नरेंद्र दहिया ने बताया कि आने वाले दिनों में हरियाणा में जिला स्तर पर इस प्रकार के धरने शुरू किए जाएंगे। फतेहाबाद से हमारे संवाददाता ईशान रुखाया की रिपोर्ट। क्या मामला है जी, किस बात को लेकर धरने पर बैठे हैं? हम इस बात पर धरने पर बैठे हैं, जो हमारे डिपो होल्डर साथी 60 साल के हो गए हैं उनको सरकार रिटायर कर रही है। हम नहीं चाहते वो रिटायर हो, रिटायर अगर करती है तो सरकार उनकी पेंशन बांधे। इसी मामले पर आज हम इकट्ठे हुए। तो कितनी पेंशन की आप मांग कर रहे हैं जी? हम ये मांग कर रहे हैं उनकी कम से कम 15,000 रुपये पेंशन होनी चाहिए रिटायर होने के बाद। अगर सरकार उनको रिटायर करती है तो उनके फैमिली को ही आगे डिपो अलॉट किया जाए। तो कितने ऐसे जो कर्म डिपो धारक है जिनको रिटायर करने की सरकार? हमारे फतेहाबाद जिले के टोटल 43 डिपो धारक हैं जिनको रिटायर कर रही है। तो कब रिटायर कर रही है जी? अब 31 मार्च पे कर रही है। 31। तो इसको लेकर कोई पहले रणनीति तैयार की गई थी कैसे या कैसे? नहीं, हमने अभी यही रणनीति की, हम धरने पर बैठेंगे हर हरियाणा में, हर डिस्ट्रिक्ट वाइज हर जगह बैठे हैं। तो कब तक जा रही? जब लग हमारी मांग पूरी होगी, सरकार सुनाई नहीं करेगी, हम धरने पर बैठेंगे। तो आज से धरना शुरू किया गया? आज से 2 तारीख से हमने धरना शुरू कर दिया। ज्ञापन वगैरह दे रहे हो जी, ये कैसे? नहीं, कोई ज्ञापन वगैरह नहीं, अगर हमारे से ज्ञापन लेंगे जिस हिसाब से हम ज्ञापन भी सौंपेंगे, नियम धरने भी बैठेंगे स्थायी रूप से। तो और भी कुछ मांगे मुख्य रूप से आपने बताई, 5 मांगे हैं जी, वो क्या मांग? पहली मांग तो हमारी ये है भाई, जो भी डिपो होल्डर साथी है उनको 60 साल की उम्र में रिटायर नहीं किया जाए। अगर दूसरी मांग, अगर उनको रिटायर करती है तो 15,000 रुपये उनकी पेंशन बांधे और हमारे को भी सैलरी दी जाए। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम नरेंद्र दिया, ब्लॉक प्रधान फतेहाबाद। तो पूरे फतेहाबाद जिले के जी आज बैठे हैं जी डिपो? हाँ जी, पूरे फतेहाबाद जिले, टवाणे से, जाखड़ से, बट्ठू से, बुंदा से, रतिया से और फतेहाबाद से, पूरे जिले से आए हैं। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।